मैं डॉक्टर सुखदेव सिंह आपको आज स्नेक बाइट यानी सांप के द्वारा काटने का इलाज तथा इसका प्रिवेंशन बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे देश में स्नेक बाइट से लाखों जानें हर साल जाती हैं और इनमें कॉमन स्टेट आंध्र प्रदेश, यूपी और बिहार हैं। कॉमनली किसानों को और मजदूरों को स्नेक अपना शिकार बनाते हैं, क्योंकि ये लोग फील्ड में काम करते हैं, किसानी का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, फील्ड में ही लैट्रिन पेशाब करने जाते हैं और अंधेरे वगैरह में रहते हैं और कहीं पर भी नीचे ही सो जाते हैं, इसलिए स्नेक इनको कॉमनली काट लेते हैं। स्नेक काटे में हम कुछ पहचान कर लेते हैं, या तो उनके स्नेक बाइट का निशान बन जाता है, दो निशान बन जाते हैं और जनरली ये हाथ पैर में काटते हैं, इसलिए ये दो निशान आसानी से हम लोग देख लेते हैं तथा आदमी बेहोश हो जाता है समटाइम्स, और कभी कभी उसका दिल, दिमाग, फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं, किसी किसी केस में ब्लीडिंग भी होना शुरू हो जाती है। ऐसे केसेज में हम ट्रीटमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हम मरीज को जल्दी से जल्दी कहीं नियर बाय हॉस्पिटल में, जहाँ पर एंटी स्नेक वेनम सीरम अवेलेबल हो, ये पॉलीवेलेंट सीरम होता है, इसको सभी स्नेक्स के पॉइजन को डीनेचर्ड करके बनाया जाता है और मरीज में दिया जाता है। इसकी कुछ रिएक्शन भी होती हैं, उसका भी इलाज एड्रेनलिन, डेकाड्रॉन, प्रेडनिसोलोन वगैरह से कर लिया जाता है और मरीज को कंटिन्यू देते रहते हैं। जल्दी से जल्दी इलाज चालू करने के लिए हम मरीज को शिफ्ट कर देते हैं किसी भी नियर बाय हॉस्पिटल में। यही नहीं, साथ में हम मरीज को जो काटा हुआ हिस्सा है साबुन और पानी से धोते रहते हैं और उससे ऊपर के हिस्से में प्रेशर बैंडेज बांध देते हैं और समय समय पर रिलीव करते रहते हैं, जिससे कि पॉइजन एकदम से पूरी बॉडी में न फैले। इलाज के लिए हम जो लोकल पार्ट होता है, जो कि काला पड़ जाता है, जहाँ पे मार्क बने हुए होते हैं, सेलुलाइटिस वगैरह हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसका इलाज करते हैं तथा सिस्टमेटिक इलाज करते हैं। यदि पेशेंट बेहोश हो गया है, फेफड़े और दिल ने काम करना बंद कर रहे हैं, तो ऐसे में एज ए इमरजेंसी ट्रीटमेंट हम देना शुरू कर देते हैं, और यदि बीपी वगैरह डाउन हो गया है तो उसको भी रेज करते हैं, और यदि ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है तो उसका भी इलाज करते हैं। कुछ पॉइजन, कुछ स्नेक्स का जो पॉइजन है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है और कुछ का हीमोटॉक्सिक और कुछ का बोथ। इसमें हमें ज़्यादा पचड़े में नहीं पड़ना है, न्यूरोटॉक्सिक हो या हीमोटॉक्सिक हो और या बोथ पॉइजन इसमें हो, लेकिन चाहे स्नेक कोबरा हो, करेत हो, रसल्स हो या फिर
कोई और स्नेक हो, हमको इसकी पहचान करने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर अपने आप करेंगे हॉस्पिटल में और वो अकॉर्डिंगली अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। इसमें जनरली 5 से 10 वायल पॉलीवेलेंट स्नेक वेनम सीरम की सफिशेंट रहती हैं, साथ में फ्लूड भी दिया जाता है जिससे फ्लूड लेवल मेंटेन रहे, कुछ इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं और इंजेक्शन भी आईवी दिए जाते हैं क्योंकि यदि आईएम वगैरह दें तो ब्लीडिंग होने का भी खतरा रहता है। इस टाइम हम टिटनस वगैरह भी नहीं देते क्योंकि ज़्यादातर स्नेक बाइट में टिटनस हो जाती है, तो टिटनस हमको पहले ही इन गांवों के जो लोग होते हैं पहले से ही दे के रखना चाहिए। जैसा कि मैंने ये सब बताया और आपकी समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने पूरे तरीके से समझाया है, आप लोगों की पूरी देखभाल करेंगे, प्रिवेंशन का पूरा ध्यान रखेंगे, लोगों को अच्छी तरह समझाएंगे जिससे कि लाखों जो कैजुअल्टी हो जाती हैं वो प्रिवेंट की जा सकें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।